हाय गाइस, ऑटो पैशन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं पूर्व आज आपको लेकर आया हूँ सुजुकी के शोरूम, सुजुकी टू व्हीलर में। और हम स्पोर्टी स्कूटर देखने जा रहे हैं, एवनेस 125 cc में आई है। चलिए देखते हैं स्कूटर में क्या खास है। गाइस, ये है सुजुकी एवनेस 125 आपके सामने, डुअल टोन कलर में, ब्लू एंड सिल्वर में। कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, उसके बगल में आप देख रहे हैं मैट ब्लैक कलर दिया है, एंड इधर ब्लू कलर भी आया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए इसका वॉकराउंड शुरू करते हैं। एवनेस के फ्रंट में सबसे पहले आपकी नज़र इसके वाइज़र पे जाएगी। ये कितना अच्छा लग रहा है, ग्लॉस फिनिश है ब्लैक में, और यहाँ पे सुजुकी की आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्लू का कॉम्बिनेशन मिलता है इसी के फेस पे, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिल जाएंगे, लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी। ब्लैक आउट में आपको ग्लॉसी ब्लैक में सेंटर आपको कवर मिल जाएगा। ये सब आपको फाइबर पोर्शन दिया है कंपनी ने। यहाँ पे आपको सिल्वर स्टिकरिंग मिलेगी ब्लू पे, इधर आपको एवनेस की स्टिकरिंग मिल जाएगी ब्लू पे। और फ्रंट में आपको क्लियर हेडलैम्प मिल जाएगा, फुल आपको LED बेस मिलेगा। साइड में आपको सिल्वर के पैनल मिल जाएंगे, इस पर भी काफ़ी अच्छी कंपनी ने स्टिकरिंग की है, SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस, जिससे इनका गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है इनके इंजन की। यहाँ पे फ्रंट में आपको मेटल में फेंडर दिया हुआ है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, और डिस्क ब्रेक देती है कंपनी। एलॉय व्हील्स आ जाते हैं फ्रंट और रियर में ब्लैक्ड आउट में। और फ्रंट में टायर साइज़ आपको 90-90-12 का दिया है, पीछे 10 इंच का आपको एलॉय व्हील्स दिया है। MRF के इसमें टायर लगे हुए हैं, और साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ आ जाते हैं। फ्रंट में आप दोनों लीवर्स ब्लैक्ड आउट में देख सकते हैं, एंड ब्लैक्ड आउट में आपको मिरर्स भी मिल जाते हैं दोनों ही कलर्स में, कोई चेंजेस नहीं है इन सारी चीज़ों में। आपको ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी मिलती है, मेटल फिनिश यहाँ पे आपको साइड में, आई थिंक मेटल नहीं है, ये भी प्लास्टिक ही फिनिश्ड है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है इसलिए मेटल लग रहा था मेरे को। आपको बार एंड्स में प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर इस तरफ साइड में बात करें तो यहाँ पे भी आपको ब्लू और ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सुजुकी की यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिल जाएगी, एवनेस की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगी। मेटल फिनिश में आपको इसके फुटपैक्स मिल जाते हैं, साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों आता है। और साइड स्टैंड में इसमें किल स्विच का, सॉरी इंजन किल का फीचर दिया हुआ है। अगर साइड स्टैंड लगा होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसमें किक स्टार्ट आता है और आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी आता है। फ्रंट में आपको दो हुक्स मिल जाते हैं, एक फ्रंट में यहाँ हुक मिलता है कि यहाँ अंडर सीट, इधर भी हुक आपको मिल जाता है। इधर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे अंदर चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, एलिमिनेटेड है, एंड काफ़ी डीप इसमें स्टोरेज है आपकी, ये काफ़ी अच्छी बात है। इधर फ्रंट में एक ओपन स्टोरेज भी मिल जाती है, इसमें नॉर्मल आपको कीज़ इसमें मिल जाती हैं, आप देख लीजिए। और लॉक सिस्टम है ये इसका, एक्सटर्नल इसमें आपको फ्यूल कैप मिल जाएगा पीछे सिल्वर कलर में, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको आप यहाँ साइड से ओपन कर सकते हो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और इसके इंजन की अगर हम बात कर लें, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक्ड आउट में कंपनी ने दिया हुआ है। यहाँ ऊपर आपको रियर टायर के ऊपर भी यहाँ पे कवर दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टीनेस दे रहा है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स आते हैं और स्विंग आर्म आपको सस्पेंशन आता है। इंजन की हम बात कर रहे थे, 125 cc का ये इंजन है। मैक्सिमम पावर 8.7 PS की देता है, और मैक्सिमम टॉर्क 10 Nm का ये देता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है ये, और एयर कूल्ड है, सिंगल सिलेंडर है ये, 4 स्ट्रोक। आप यहाँ पे फुटबेड देख सकते हो, अभी इसमें ये मैट लगी हुई है एवनेस की, ये जेन्युइन एसेसरी है आपके सुजुकी की। ये ऊपर कवर भी आप जेन्युइन एसेसरी का पार्ट देख रहे हो, नहीं तो आपको ऐसे बेसिक बोर्ड आपको मिलता है ब्लैक डाउट में, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऊपर आपको आई थिंक बिल्कुल थोड़ी सी रफ फिनिश है इसकी ब्लैक में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। साइड में आपको ग्रे का पोर्शन दिया हुआ है रेड स्टिचिंग के साथ, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्लैक आउट में ग्लॉसी ब्लैक में एवनेस दिया है, और मैट ब्लैक यहाँ पीछे बेस पे दिया है, ग्लॉसी ब्लैक का यहाँ काम किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे आपको टेल लाइट जो सेटअप मिलता है फुल LED मिल जाता है, और बाइक टाइप के इसके आपको इंडिकेटर्स दिए हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो
आप देख सकते हैं, और फुल आपको हाइलोजन बल्ब में मिलता है। मेटल पार्ट एक आपको यहाँ पे क्रैब हैंडल मिल जाता है। पिलियन के लिए काफ़ी वाइड सीट है दोनों को पैसेंजर और ड्राइवर के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कट्स कंपनी ने दिए, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाया है न्यू जनरेशन को दिमाग में रख के। यहाँ पे सुजुकी की आपको बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको पूरा इसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल है। यहाँ पे इंजन कोइल स्विच आपको आ जाता है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम का बटन आता है, इंडिकेटर आ जाता है, हॉर्न्स आ जाता है। इस तरफ भी देखिए आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। अब हर कंपनी मैट ब्लैक कलर ज़रूर निकालती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब ये पसंद आता है। E20 कंप्लाइंट इसका इंजन हो गया है, OBD2 वर्जन है। पीछे का भी वाइज़र आपको फुल फाइबर में मिल जाता है। एंड यहाँ पे लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह उसके ऊपर यहाँ पे लाइट दी हुई है, पीछे आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। साइलेंसर आप देख लीजिए, ये बिल्कुल आपको बग्समैन जैसा मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ऊपर कवरिंग मिल जाती है फाइबर में। ESP की बैचिंग इधर साइड में भी दी हुई है। चलिए एक बार आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देते हैं। गो 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 आ जाता है इसमें, और यहाँ पे आप देख लीजिए डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, एवरेज दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल किलोमीटर कवरेज दिखा रहा है। इस मोड से आप अपने फ़ोन को इसे पेयर कर सकते हो, टर्न बाय टर्न इंडिकेटर देख सकते हो, ETA देख सकते हो, एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा आपको डेस्टिनेशन पहुंचने का वो भी ये रिफ्लेक्ट करता है, आपके फ़ोन की बैटरी ये रिफ्लेक्ट करता है। एंड और मेरे ख्याल से इसमें आपको कॉलर ID आती है, मैसेज अलर्ट आता है, व्हाट्सएप अलर्ट आता है, मिस कॉल अलर्ट आता है, ये सारे फंक्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। और इसका जो सुजुकी कनेक्ट का ऐप है, आप जब उसे यूज़ करते हो तो और भी कुछ फीचर्स आप अपने फ़ोन से उसमें देख सकते हो, बड़े बोल्ड आइकन्स आप देख सकते हो उसमें, है ना। और लास्ट कहाँ पे आपने गाड़ी पार्क करी थी वो भी आपको उसमें शो करता है, तो आपको गाड़ी ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार मैं इसको करके देखता हूँ, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है, टोटल किलोमीटर्स ट्रिपे एवरेज ट्रिप भी एवरेज एंड किलोमीटर्स, ये सारे इसमें फंक्शन आ जाते हैं। एक बार आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ है, थोड़ी सी हैवी आवाज़ दी है कंपनी ने, क्योंकि आपको स्कूटर को भी काफ़ी स्पोर्टी बनाया है। इधर ब्लैकड आउट में आपको अलग स्टिकरिंग मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स कंपनी यूज़ कर रही है। राइट कनेक्ट एडिशन का बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अंडर स्कूटर यहाँ पे आपको फ्लोर बेड आपको मिल जाएगा आपका नीचे से सपोर्ट करने के लिए, ताकि प्रोटेक्शन कंपनी दे सके। पीछे का आपको टायर साइज़ नहीं बताया, एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें MRF का टायर दिया है 80-110 का, आप देख सकते हैं, तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा है। और काफ़ी अच्छे कलर्स के साथ अब ये आती है, इसमें वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है, एंड ब्लू सिल्वर आप अपने सामने देख रहे हो, ये मैट ब्लैक अपने सामने आप देख रहे हो, ये सब 2023 के कलर हैं। इसमें एक ऑरेंज ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है, इसमें ग्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, सिल्वर ग्रीन है आई थिंक, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो। काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने इसको अट्रैक्टिव कलर्स के साथ लॉन्च किया हुआ है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 92,400 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस आपको लखनऊ में 1,09,400 रुपीज़ पड़ेगा। तो आप देख लो कि आप कितना अच्छा कंपनी ने इसमें काम किया हुआ है, और उस हिसाब से कितना ज़्यादा प्रीमियम स्कूटर को बनाया हुआ है। कोई भी फिट एंड फिनिश में मेरे को इशू नहीं लग रहा, आप कोई भी मॉडल खड़ा है, ये 2022 का भी ये कलर खड़ा हुआ है, तो इसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं लग रहा अभी तक। कितनी अच्छी फिट एंड फिनिश बनी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टिकरिंग दी है। ये कलर 2022 में आता था, ये दोनों कलर्स अभी 2023 में कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है कंपनी। फ्रंट की एक बार आपको लाइट्स दिखा देता हूँ मैं, वो दिखाना भूल गया। अब
तो लाइट्स देख लो, फ्रंट में आपको एलईडी लाइट्स मिलेंगी वाइट में, एंड ऊपर आपको हैलोजन में इंडिकेटर मिलेगा, बैक में आपको हैलोजन में इंडिकेटर मिलेगा, और आपको गेम इंस्पायर्ड पीछे आपको टेल लैम्प मिल जाएगा, टेल लाइट्स मिल जाएंगी। पूरी आपको स्कूटर ही पूरी गेम इंस्पायर्ड लगेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर दिया है कंपनी ने। चलिए इसको बंद कर देते हैं। सुजुकी एवनेस 125 सीसी के अगर डायमेंशन की बात करूँ तो ओवरऑल लेंथ इसकी 1895 mm की है, विड्थ इसकी 710 mm की है, हाइट 1175 mm की है, व्हील बेस इसका 1265 mm का है, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है, सीट हाइट 780 mm की है, और मास कर वेट इसका 106 kg का है। सो गाइज, आज की स्कूटर एवनेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताएगा, क्या आपको अच्छा लगा इन स्कूटर्स में और क्या नहीं अच्छा लगा वो भी मुझे जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। कमेंट्स के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट किया करिए, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। सब्सक्रिप्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, आप जानते हो इस बात को। और आज के वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ SRM मोटर्स को, जिनका शोरूम सुजुकी का रिंग रोड लखनऊ पे है। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का एड्रेस ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ का कंसर्न पर्सन का नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा, तो डेफिनेटली आप कॉल करके विजिट करिएगा शोरूम को, ताकि आने के बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो, चला के देखिए स्पोर्टी स्कूटर, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और फंक्शनल फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है इसके डिज़ाइन पर, और न्यू जनरेशन को दिमाग में रखे कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्पोर्टी लग रही है मेरे को। चाहे आप कोई भी एंगल से इसको देखिए, साइड से देखिए, बैक से देखिए, फ्रंट से देखिए, हर तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी या स्कूटर के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।